राष्ट्र स्तर पर रेसलिंग में नाम कमा चुके जॉनी चौधरी अब हमीरपुर में भी युवाओं को दांव पेच सिखाएंगे। हमीरपुर खेल एवं युवा सेवाएं विभाग के सहयोग से युवाओं को रेसलिंग के गुर सिखाने के लिए काम किया जाएगा। इसके लिए खेल एवं युवा सेवाएं विभाग ने रेसलिंग खिलाड़ी जॉनी चौधरी के साथ बैठक करके खाका तैयार किया है और आगामी दिनों में हमीरपुर में युवा खिलाड़ियों को रेसलिंग में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार किया जाएगा। रेसलिंग खिलाड़ी जॉनी चौधरी ने बताया कि खेल गतिविधियों को बढ़ाने के लिए जिला खेल अधिकारी के द्वारा बढ़िया प्रयास किया जा रहा है और विभाग के प्रयासों से युवाओं को रेसलिंग में प्रशिक्षण देकर तैयार किया जाएगा, जिससे अच्छे परिणाम आएंगे। जॉनी चौधरी ने कहा कि हमीरपुर में भी खिलाड़ियों को रेसलिंग के लिए तैयार किया जाएगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी निकलकर सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि हमीरपुर में बच्चों को रेसलिंग की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। नमस्कार, मैं जॉनी चौधरी और मैं सुंदरनगर का रहने वाला हूँ। और मैं बचपन से ही रेसलिंग में नाम कमाना चाहता था और मेरे पिताजी खुद एक रेसलर थे, उन्होंने मुझे इस लाइन में डाला। और मैं स्कूल नेशनल का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और नेशनल गेम्स का मेडलिस्ट हूँ सीनियर का। और मैं नेशनल में 4 मेरे मेडल हैं, एक सिल्वर है और 3 ब्रॉन्ज हैं। और मैं अभी भी स्पोर्ट्स कर रहा हूँ। और हमारा जो है हमीरपुर में एक सेंटर चल रहा है रेसलिंग एकेडमी, वहाँ पे मैं कोचिंग कर रहा हूँ फिलहाल अभी। और आने वाले दिनों में हम अगले नेशनल की और इंटरनेशनल लेवल की तैयारी कर रहे हैं। जी, हमारे रविशंकर जी यहाँ DSO ऑफिसर हैं डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के, तो इन्होंने मुझे बुलाया और आज हम यहाँ पे आए हैं। बहुत खुशी हुई हमें कि एक अच्छी नेक इंसान और जो स्पोर्ट्स के लिए पूरे डेडिकेटेड हैं, और उन्होंने बोला कहा है कि वो हर वो मदद करेंगे जो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर को स्पोर्ट्स में आगे लाए। जो मेरा छोटा भाई है और आशीष चौधरी, और बॉक्सिंग में टोक्यो ओलंपिक के लिए सिलेक्ट हुआ है, वो अभी फिलहाल अपना इंडिया कैंप में है और वो आने वाले ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहा है। मैं इंटरनेशनल लेवल पे ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ और मैं हर वो टूर्नामेंट इंडिया में जीता हूँ जहाँ पे हमारे रेसलिंग के टूर्नामेंट होते हैं। तो मुझे मैं चाहता हूँ कि हम एक हमीरपुर में भी ऐसा माहौल बनाएं कि मैं मेरे से भी ऊपर बढ़ के कुछ बच्चे हों। इसलिए हम आज अपने DSO ऑफिस में आए थे और रविशंकर जी से मिले। हमें बहुत खुशी हुई कि एक ऐसा इंसान है जिसने कि हमें स्पोर्ट्स से जुड़े रहने के लिए कहा और कहा कि हम एक आगे चल के बहुत अच्छा काम करेंगे हिमाचल प्रदेश के लिए। देखिए, हमारा एक ही मकसद है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यहाँ पे रेसलिंग के लिए रेसलिंग की प्रैक्टिस करवाएंगे। और हम आशा करेंगे कि यहाँ के बच्चे पार्टिसिपेट करें, रेसलिंग एकेडमी में आएँ और सीखें और कल को देश का नाम रोशन करें। आपको बता दें कि जॉनी चौधरी ने स्कूल लेवल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक नेशनल गोल्ड मेडल हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन किया है और नेशनल स्तर पर 4 मेडल हासिल किए हैं, जिसमें एक सिल्वर और 3 ब्राउन मेडल शामिल हैं। इसके अलावा सीनियर रेसलिंग नेशनल प्रतियोगिता में भी गोल्ड मेडल हासिल करने का खिताब जॉनी चौधरी के नाम रहा है। अब जॉनी चौधरी के द्वारा हमीरपुर खेल विभाग के साथ जुड़कर युवाओं को रेसलिंग और खेलों के प्रति रुचि बढ़ाने का काम किया जाएगा, जिससे युवाओं को भी एक बढ़िया मौका मिलेगा।